हेलो गाइस, आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है मार्क अपनी बाइक रिपेयर कर रहा होता है, तभी उसका एक फ्रेंड वहाँ आता है और उसे पूछता है क्या हुआ। तो मार्क उसे बताता है उसकी बाइक खराब हो गई है और वो फिर से अपनी बाइक ठीक करने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है बाइक ठीक करने से बेहतर तुम नई बाइक क्यों नहीं लेते हो, क्या तुम न्यूयॉर्क के लिए पैसे सेव करके रख रहे हो क्या। तो मार्क कहता है ऐसा है तो आप क्यों नहीं मेरे लिए बाइक खरीद लेते, वैसे भी आप रिच हो ना। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या तुमने मुझे रिच कहा और वैसे भी तुम मुझे आप क्यों कह रहे हो। तो मार्क उसे फोएंग कहता है। तो उसका वो फ्रेंड भड़क जाता है और कहता है ये मेरे नाम के बिल्कुल अपोजिट है। तभी वह उनका दूसरा फ्रेंड आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और मार्क को कहता है तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है पर तुम हमारे इस मोटरसाइकिल ग्रुप के मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन हो और वैसे भी तुम लाइनमैन और मोटरबाइक राइड करते हो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलते होंगे तो तुम उन पैसों का क्या करते हो। तो दूसरा फ्रेंड कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम उन पैसों का एग्जैक्टली क्या करते हो। तो मार्क कहता है आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा फ्रेंड पहले फ्रेंड को कहता है इसका मतलब तुम नौजी हो। तो वो फ्रेंड उसे मारने के लिए जाता है। तो तीसरा फ्रेंड उसे शांत करता है। तो मार्क कहता है मेरी फाइनेंस के बारे में जानने के लिए तुम ज्यादा ही उत्सुक हो, इसलिए तुम जानना चाहते हो कि मैं एग्जैक्टली वो पैसे कहाँ यूज करता हूँ। मैं वो पैसे मेरे मॉम के लिए यूज करता हूँ और फर्म के ट्यूशन फी के लिए देता हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं बचते। तो फ्रेंड कहता है तुम फर्म के ट्यूशन फी के लिए पैसे क्यों देते हो, क्या उसके पेरेंट्स नहीं है क्या। तो मार्क कहता है उसके मॉम बीमार है और उसके फादर भाग गए तो उसके लिए ये समय बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमने सोचा हम दोनों में से एक अपनी पढ़ाई पूरी करेगा तो हमारा फ्यूचर बेटर होगा। तो उसके फ्रेंड कहते हैं तुम कितने अच्छे हो। तो एक फ्रेंड कहता है तुम एक रेम दिल हीरो हो। तो मार्क कहता है मैं कोई रेम दिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूँ और आज फर्न का बर्थडे है तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, तो मैं उसके लिए क्या लूँ। तो दूसरा फ्रेंड कहता है तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम उसके लिए गिफ्ट ले रहे हो। तो मार्क कहता है मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है पर मेरे पास तुम्हारे जैसे फ्रेंड है, तभी वह फर्न आती है। तो मार्क कहता है आज तुम्हें लेट क्यों हुआ। तो फर्न कहते हैं क्योंकि अपार्टमेंट में पानी आना अचानक से बंद हो गया, मुझे पता नहीं ऐसा सडनली कैसा हुआ। तो मार्क कहता है कोई बात नहीं, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो हम एक अच्छे से प्लेस पर रहने के लिए जाएंगे। तो फर्न मान जाते है, मार्क उसे कॉलेज में छोड़ने के लिए चला जाता है। तो उसके फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते है, एक फ्रेंड कहता है मैंने फर्न को किसी और के साथ देखा था। तो दूसरा फ्रेंड कहता है अगर ऐसा है तो उनमें जल्दी ही ब्रेकअप होने वाला है। तो तीसरा फ्रेंड कहता है तुम दोनों ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो, मुझे तो लगता है 3 महीने में ही उनका ब्रेकअप हो जाएगा। तो दूसरा फ्रेंड कहता है नहीं मुझे लगता है 6 महीने में ही हो जाएगा। तो फ्रेंड कहता है क्या तुम उससे बेट लगा रहे हो क्या। तो दूसरा फ्रेंड कहता है हाँ। मार्क फर्न को कॉलेज के पास छोड़ देता है, तभी वो फर्न के बैग दिखता है वो फटी होती है। तो मार्क कहता है तुम्हें पैसे चाहिए क्या। तो फर्न कहती है हाँ। तो मार्क कहता है कितने। तो फर्न कहती है तुम्हारे पास जितने है उतने बस है। तो मार्क उसे पैसे देता है। तो फर्न कहती है अब मैं चलती हूँ। तो मार्क उसे बर्थडे विश करता है। तो फर्न कहती है ओके और वहाँ से चली जाती है। नादिया कैंटीन में जाती है और वैनिला लाते ऑर्डर करती है पर उस वेटर को वो ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा था, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे समझ में आ गया हो। नादिया कहती है मैं हर रोज यही ऑर्डर करती हूँ। तो वेटर कहता है हर रोज आप उसके कितने पैसे देते हो। तो नादिया को समझ आता है उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वो उसे पूछती है यहाँ जो हर रोज होते हैं वो कहाँ है। तो वेटर कहता है वो वॉशरूम में गए हुए, तभी वह उस शॉप का ओनर आता है उसका नाम मयूम है। वो नादिया को कहता है सॉरी डॉक्टर मेरा ब्रदर इस शॉप में नया है इसलिए उसे कुछ मालूम नहीं है, और वो नादिया का ऑर्डर रेडी करने लगता है। मयूम को नादिया पर क्रश है, वो उसे वैनिला लाते देता है। नादिया वहाँ से चली जाती है पर मायो सिर्फ उसे देख रहा होता है। तभी उसका ब्रदर कहता है क्या तुम कस्टमर से कंप्लेंट नहीं करते हो क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर देने के लिए। तो मयूम उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ लॉन्ग टाइम के लिए वर्क नहीं करना है क्या। तो उसका ब्रदर कहता है ऑफ कोर्स मुझे यहाँ वर्क करना है। तो मयूम कहता है तो अपना काम करो। तो उसका ब्रदर वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें इस सीरीज के सेकंड कपल को दिखाया जाता है
बॉस बाकी स्टूडेंट को समझा रहा था तभी वहाँ टॉय लेट आता है तो उसका फ्रेंड उसे कहता है इतना लेट क्यों हो गया। तो टॉय कहता है कल रात में गेम खेल रहा था तभी बॉस उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो टॉय से कहता है तुम अभी आए हो क्या। तो टॉय कहता है हाँ। तो बॉस कहता है क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि 7 बजे से पहले यहाँ आना होता है, एटलीस्ट मुझसे पहले तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। डॉक्टर तवान को तुम्हारे लेट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पर मुझे प्रॉब्लम है और उसे पेशेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगता है। तो टॉय उसे आंसर बताता है पर बॉस कहता है मैंने जो लास्ट टाइम बताया था वही तुमने मुझे अभी कहा है। टॉय का फ्रेंड उसे धीरे से कहता है अब तुम मर गए, मैंने कहा था दूसरों की कॉपी करो पर तुमने इसी सीनियर की कॉपी की है, इडियट। तो बॉस कहता है नेक्स्ट टाइम तुम अपने तरीके से फिजिकल एग्जाम लिखना। तो टॉय कहता है ठीक है। तो बॉस कहता है और प्लीज टाइम पर आना और रिपोर्ट करना, समझ में आ गया, और उसे गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। बाद में टॉय बॉस के एक्टिंग करके अपने फ्रेंड को दिखा रहा था तो उसका फ्रेंड हंसने लगता है। तो टॉय कहता है मुझे नहीं पता वो इतना अनोइंग क्यों है पर मुझे उसे पंच मारने का मन हो रहा है और वैसे भी वो हमसे 1 साल बड़ा है और वो किसी भी एंगल से सीनियर नहीं लगता है। तभी वह पीछे से बॉस आता है और टॉय की सारी बातें सुनता है। टॉय का फ्रेंड उसे बताने की कोशिश करता है पर टॉय अभी भी बॉस की एक्टिंग करके दिखा रहा होता है और कहता है मुझे तो लगता है वो अपने पेशेंट के साथ भी ऐसे ही करता होगा इसलिए उसके पेशेंट वहाँ से भागकर चले जाते होंगे। तो उसका फ्रेंड उसे आँख मार के बताने की कोशिश करता है। तो टॉय कहता है तुम्हें क्या हुआ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी पीछे से बॉस कहता है तुम भूत रूढ़ हो। तो टॉय शौक होकर पीछे देखता है तो बॉस कहता है तुम्हारा नाम टॉय है ना, मैंने अभी तुम्हारे फ्रेंड के मुंह से तुम्हारा नाम लेते हुए सुना, तुम मुझसे आसानी से पास होने की उम्मीद मत करना, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टॉय अपने फ्रेंड पर गुस्सा होता है और कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसका फ्रेंड कहता है मैंने बताने की कोशिश की थी इसलिए मैं आँख मार के तुम्हें समझा रहा था। तो टॉय कहता है इसे मुझे कैसे समझ आता। रात में मॉर्क हॉर्न के लिए नया बैग लाता है और उस बैग को पैक करके उसके आने का वेट कर रहा होता है। बहुत देर के बाद फर्न घर वापस आती है तो मॉर्क उसे सरप्राइज देने के लिए छुप जाता है और जब वो रूम में आती है तो मॉर्क उसे बर्थडे विश करता है। तो फर्न उसे कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सीन शिफ्ट होता है, तवान भी पॉर ने जिस रेस्टोरेंट में बुलाया होता है वहाँ जाता है। पॉर कहता है मुझे लगा था तुम नहीं आओगे पर मैं खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देखकर, मैंने तुम्हें 10 दिनों से नहीं देखा, तुम कैसे हो। तो तवान कहता है मैं ठीक हूँ और तुम। तो पॉर कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मेरे सारे लेटर पढ़े। तो तवान कहता है हाँ और हमें फ्लैशबैक दिखाते वो दोनों जब जब मिले थे उस हर एक मोमेंट के बारे में उस लेटर में लिखा होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, तवान कहता है मैंने सारे लेटर पढ़े। तो पॉर कहता है तो क्या तुम रेडी हो, मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हें पहले से ही पता है फिर भी मैं जानना चाहता हूँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो तवान कहता है मैं भी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो पॉर खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फर्न मॉर्क को कहती है हम ब्रेकअप करते हैं। तो मॉर्क से उसे शौक होकर देखता रहता है। फर्न वहाँ से चली जाती है। एक साइड नए कपल की स्टार्टिंग हो गई और दूसरी साइड कपल की एंडिंग। तवान मन में कहता है मेरे प्यार की नई शुरुआत हो गई। तो मॉर्क कहता है मेरा प्यार खत्म हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्क के फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं। एक फ्रेंड कहता है मैं बेट जीत गया तो मेरे पैसे दे दो। तो दूसरा फ्रेंड कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मॉर्क और फर्न का ब्रेकअप हो गया है। तो फ्रेंड कहता है धीरे से बोलो मॉर्क आता ही होगा। तो तीसरा फ्रेंड कहता है सच में उनका ब्रेकअप हो गया, मुझे मॉर के लिए बुरा फील हो रहा है। तभी वह मॉर कहता है तो एक फ्रेंड बाकी दो फ्रेंड को नॉर्मल एक्ट करने के लिए कहता है और बोलता है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पता है। मॉर उनके पास बैठ जाता है तो एक फ्रेंड कहता है क्या तुम ठीक हो। तो मॉर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम तीनों नर्वस क्यों लग रहे हो और अजीब बर्ताव कर रहे हो।
तो तीनों कहते हैं हम नॉर्मल है। तो मॉर्क कहता है अगर तुम नॉर्मल हो तो इतने जोर से क्यों बात कर रहे हो। तो एक फ्रेंड कहता है मुझे रॉक सिंगिंग पसंद है इसलिए मैं हाई नोट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दूसरा फ्रेंड कहता है कैसा खराब एक्सक्यूज दे रहे हो। तभी वहाँ एक पैसेंजर आता है तो तीनों वहाँ से कुछ रीजन बता के चले जाते हैं। तो मॉर्क कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो पैसेंजर कहता है नहीं कल मैंने देखा था तुम कितनी स्पीड से बाइक चलाते हो। तो मॉर्क कहता है मैं आज बाइक स्लो चलाऊंगा। तो पैसेंजर मान जाता है। मॉर्क आज भी बाइक स्पीड से चला रहा होता है तभी सिग्नल लग जाता है तो वो गाड़ी रोक लेता है। तो पैसेंजर उसे कहता है प्लीज़ बाइक स्लो चलाओ मुझे जल्दी नहीं है। तो मॉर्क कहता है क्यों। तो पैसेंजर अपने पैर की तरफ देखने के लिए कहता है उसे बहुत जगह चोट लगी होती है। तभी मॉर्क एक कार में हॉर्न को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है। तो मॉर्क उस लड़के को मारने के लिए जाता है। उन दोनों में फाइट होती है तभी फन आकर उन्हें रोक लेते हैं और मॉर्क को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने एक अच्छा लड़का देख लिया है। और उसके नए बॉयफ्रेंड को पूछती है क्या तुम ठीक हो और वहाँ से चली जाती है। मॉर्क सिर्फ उसे ऐसे जाते हुए देखता रहता है। रात को मॉर्क बाइक पर सैड होकर बैठा होता है तभी वहाँ तवान आता है और कहता है क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो क्या। मॉर्क तवान को देखता है मॉर्क की आंखों से पानी आ रहा था। तो तवान कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या। ओके गाइज यह हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।